हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 50 बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के विषय में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी एग्ज़ामों में हिंदी आती है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न हमारा उन्मूलन का विलोम है। तो देखिए, उन्मूलन का विलोम है रोपण, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अमित का विलोम है। तो अमित का विलोम होता है परिमित, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है ईप्सित का विलोम है। तो ईप्सित का विलोम है अनिप्सित, पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। और ये प्रश्न जो है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आप एक बार में मतलब जल्दी से नहीं याद कर पाते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है निर्दय का विलोम है। निर्दय का विलोम होता है सदय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पुष्ट का विलोम है। पुष्ट का विलोम है क्षीण, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सौम्य का विलोम है। सौम्य का विलोम है उग्र, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है हास का विलोम है। हास का विलोम है वृद्धि, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। उपकार का विलोम क्या है? उपकार का विलोम है अपकार, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम क्या होगा? तो स्वजाति का विलोम है विजाति, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम होता है स्थावर, स्थावर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है चिन रतन का विलोम शब्द है। तो चिन रतन का विलोम शब्द होता है नस्वर, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ का विलोम है। तो अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है सगुण शब्द का विलोम है। तो सगुण शब्द का विलोम है निर्गुण, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अपशगुन का विलोम है। तो अपशगुन का विलोम होता है शकुन, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होता है परोक्ष, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सामान्य शब्द का विलोम है। तो सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है अमर शब्द का विलोम है। तो अमर शब्द का विलोम है मर्त, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? तो आज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, ऑप्शन ए सही है। अगर आपको एक बार में नहीं याद होते हैं तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष,
ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम शब्द होता है मुक्त। मुक्त ऑप्शन सी सही होगा इसका। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का होता है लाघव। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द है, विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। ऑप्शन डी, विराट मीन्स होता है बड़ा और क्षुद्र मीन्स होता है छोटा। अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द है, सहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्य का विलोम शब्द है क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है, तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। ऑप्शन बी सही है इसका। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। और देखिए, आराम से अगर पढ़ेंगे विलोम शब्दों को तो आसानी से याद हो जाएंगे, और किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िए इस वीडियो को, और अगर आपका मन है तो आप लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? तो श्री गणेश का होता है विलोम शब्द इति श्री। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न, धनी का विलोम शब्द है, धनी का विलोम शब्द है निर्धन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? तो अधिकृत शब्द का विलोम होता है अनाधिकृत। अनाधिकृत ऑप्शन आपका सही है इसमें, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम का होता है प्रतिलोम, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका 5वां ऑप्शन बना लीजिए, विश्राम, यही आपका ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें कोई सही नहीं है, परिश्रम का विलोम शब्द होता है विश्राम या आराम। अगला प्रश्न हमारा, ऋजु शब्द का विलोम शब्द है, ऋजु का होता है वक्र, ऋजु मीन्स होता है सीधा और वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो आकलन शब्द का विलोम होता है विकलन। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, पहला वाला क्षर का अक्षर सही है, समास का व्यास सही है, स्वल्पायु का चिरायु सही है, और आहार का विहार ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम है, अथ का विलोम होता है इति, अथ का विलोम होता है इति, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है।
अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? तो यथार्थ का विलोम शब्द होता है आदर्श, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साधु का विलोम क्या होगा? साधु का विलोम होता है असाधु, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है मंद, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उदात्त का विलोम शब्द क्या है? तो उदात्त का विलोम शब्द होता है अनुदात, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल का विलोम क्या होगा? तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, ऑप्शन बी सही है, बी। अगला प्रश्न है, प्रस्थान का विलोम क्या होगा? प्रस्थान में जाना, आगमन में आना, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होता है स्तुति करना, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम होगा इति श्री, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, मधुर का विलोम क्या है? मधुर का विलोम होता है कटु, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है, चुस्त शब्द का विलोम नहीं है, तो ये आपका होगा आशीष, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।